हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानेंगे लहसुन और शहद मिलाकर खाने के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, हम लोग शहद और लहसुन के फ़ायदों के बारे में जानते ही हैं। शहद का इस्तेमाल हमारे हेल्थ और हमारी ब्यूटी दोनों के लिए ही किया जाता है। शहद में एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल जैसे कई ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारी स्किन और हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। वही लहसुन में एलेसिन और फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे हेल्थ और हमारी ब्यूटी से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में दोस्तों, दोनों को साथ में मिलाकर खाने के कितने फायदे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। आइए आज इन्हीं फायदों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लहसुन और शहद खाने का सही तरीका क्या है और इसे कब खाया जाए। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा लहसुन की 12 कलियां, 1 कप शहद और 1 कांच का जार। लहसुन को कूट लें। अब 1 कांच के साफ जार में लहसुन और शहद दोनों को डाल के अच्छे से मिला लें। जार को बंद करके 1 हफ्ते के लिए किसी डार्क प्लेस पे स्टोर कर लें। 1 हफ्ते बाद ये सेवन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे हर दिन रोज़ाना आपको सुबह इसे खाली पेट लेना है। अब इससे होने वाले लाभ के बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहला इसका तो फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर आप अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर हो गया है। इसके वजह से आपको 100 बीमारियां घेर लेती है। लहसुन और शहद एक साथ खाने से ये एंटीबायोटिक का काम करता है और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। सेकेंड है, लहसुन खाने से पेट में नेचुरल रस का उत्पादन बढ़ता है। लहसुन और शहद में विटामिन और खनिज से भरपूर मात्रा मौजूद होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है और रक्त को गाढ़ा होने से भी ये रोकता है। ये दिल से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को होने से भी रोकता है। थर्ड है, लहसुन और शहद एक साथ खाने से शरीर का फैट्स कम होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। फोर्थ है, शहद और लहसुन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण सर्दी और एलर्जी से हमें बचाते हैं और ये इसके इलाज के लिए बेहतरीन माना जाता है। सर्दी जुकाम से अगर आप परेशान हो तो इसका सेवन ज़रूर करें। फिफ्थ है, लहसुन और शहद का सेवन करने से आपके शरीर से गंदगी और दूषित पदार्थ बाहर निकलता है। ये एक नेचुरल डिटॉक्स मिश्रण का काम करता है। इसका सिक्स्थ जो बेनिफिट है फ्रेंड, वो ये है कि अगर आपको गठिया दर्द है और अगर आप इसके वजह से परेशान रहते हैं, तो आप लहसुन में शहद डाल करके इस्तेमाल करें। लहसुन के एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के वजह से ये गठिया के वजह से होने वाले सूजन में भी आपको राहत दिलाता है और दर्द में भी। इसका सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। ये आपको दर्द कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। सेवेंथ है, नियमित रूप से अगर आप लहसुन और शहद का सेवन करते हैं तो ये आपकी सुंदरता को बढ़ाता है और आपके बालों को भी स्वस्थ और लंबा बनाए रखने में सहायता प्रदान है। और इसका 8th यूज है फ्रेंड, अगर आप लहसुन और शहद का एक साथ सेवन करते हैं, रात को सोते समय अगर आप इसे लेते हैं तो इससे आपका सेक्सुअल स्टेमिना और प्लेजर में बढ़ावा मिलता है और ये आपको एक ताकत प्रदान करता है। दोस्तों, लहसुन गर्म होता है। अधिक लहसुन और शहद के सेवन से सीने में जलन हो सकता है, इसीलिए इसका सेवन अपने शरीर के अनुसार करें। ज़्यादा गर्म चीज़ें नुकसान करती हो तो कम मात्रा में लहसुन शहद के मिश्रण का सेवन करें और खाली पेट नहीं करें। इसे खाना खाने के 1 घंटे बाद आप लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।